press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंशियल अड्डा में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपना पेज फाइनेंशियल अड्डा, जो कि मेरा इंस्टाग्राम में पेज है, और लेके चल रहा हूं मैं आपको अपने पेज फाइनेंशियल अड्डा में। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए हमें खोलना है इंस्टाग्राम। और दोस्तों, ये इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन हुआ, आपको सिंपली सर्च करना है फाइनेंशियल, और आप जैसे ही फाइनेंशियल अड्डा डालोगे आपको मेरा पेज आ जाएगा, फाइनेंशियल अड्डा द चैनल फॉर बिजनेस एंड फाइनेंशियल वीडियोस। तो दोस्तों, ये मेरा है पेज फाइनेंशियल अड्डा, जिसको मैंने बनाया था अराउंड मार्च में, और अभी तक मेरे दोस्तों इसमें 2000 प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं। तो मैं उन फॉलोअर्स का इस वीडियो के थ्रू थैंक्स भी करना चाहूँगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह के इसमें पोस्ट डालता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इसमें रोज के मोटिवेशनल कोट्स आपको मिलेंगे, पोस्ट मिलेंगे पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड। और दोस्तों, मैं इसमें जो पोस्ट डालता हूँ, मैं आपको दो चार पोस्ट आपको शो करता हूँ कि कैसे वो होते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे चार्ली मंगर का ये पोस्ट है, द बिग मनी इज़ नॉट इन बाइंग एंड द सेलिंग बट इन द वेटिंग। जो ये कह रहे हैं इस पोस्ट के थ्रू, ये कह रहे हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक मार्केट में जो एक्चुअल कमाई है, जिसमें प्रॉफिट है, वो वेटिंग में है। मतलब पेशेंस होना चाहिए हमें अगर स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम स्टॉक मार्केट में जो एक्चुअल कमाई, वो बाइंग सेलिंग में नहीं, वो पेशेंस है, मतलब वेट करना चाहिए हमें। जितना हम वेट करेंगे, जितना बढ़िया स्टॉक होगा उसके लिए अगर हम ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। तो ये पोस्ट उस रिगार्डिंग है। तो दोस्तों, अलग अलग आपको यहाँ पोस्ट मिलेंगे। जैसे ये पोस्ट है, इसमें हम वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। जैसे मैंने इस पोस्ट में डाला है, थिंग स्कूल डिडंट टीच मी। स्कूल में हमें जैसे टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, नेगोशिएबल, डील मेकिंग, फाइनेंस के बारे में, टैक्सेस के बारे में हमें इतना नहीं डिटेल से बताया जाता, बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं देते। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बट उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, और वो हर मंथ अपनी अगर उनकी सैलरी भी आती है तो वो उसको पूरे एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं, और दो तीन साल बाद परेशान होते हैं कि यार हमारे पास जेब में कोई भी पैसा नहीं है, और वो बाद में ये बोलते हैं कि ये अमीर इसलिए हो गया क्योंकि इसकी सैलरी ज़्यादा है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आप तभी अमीर बन सकते हो अगर आप सेव भी कर रहे हो, साथ में इन्वेस्ट भी कर रहे हो। तो ये पोस्ट था दोस्तों स्कूल के ऊपर, जिसमें मैंने बताया कि स्कूल में हमें क्या क्या नहीं पढ़ाया गया। तो दोस्तों, और आपको पोस्ट मिल जाएंगे इसमें, इसमें मैं सारे रोज डेली मोटिवेशनल कोर्स मिल जाएंगे आपको, काफ़ी सारे मैं बहुत ही बढ़िया पोस्ट इसमें डालता हूँ। ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में मैंने इसमें डिटेल में आपको बताया हुआ है। आपको रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखे, इनके काफ़ी सारे मैं कोर्स डालता हूँ। तो ये सब आपको मिल जाएंगे, और वॉरेन बुफे के कोर्स मिल जाएंगे आपको। तो इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कोट्स मिलते जाएंगे। स्टोरीज़ मैं डालता हूँ काफ़ी, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड स्टोरीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा पेज जो है फाइनेंशियल अड्डा इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल का पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ इसको जाकर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा पेज अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।